हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और आगे क्षेत्रीय राज के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? वो था फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने जो तीन गांव थे, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इनको तीन को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से है रेड ड्रैगन। और ऐसे अगर हम बात करते हैं, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। और ये जो हेक्टर, अगर इसमें ऑप्शन में हेक्टर नहीं है, ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद जो रेड ड्रैगन है, ये इसी जहाजी बेड़े में शामिल था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में प्रारंभिक उपनिवेशक कहाँ था? तो भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेशक ये कहां पर था? ये था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये कासिम बाजार पर, कहां पर? 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था वो कहाँ था? गोवा में। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा ने इस सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था, जिससे कि ये बहुत दिनों तक रहा। इस प्रकार काफी लंबी अवधि तक रहने के कारण पुर्तगालियों का जो मुख्यालय बना रहा वो गोवा बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज दिया गया था? तो ये कौन किनकी राजकुमारी थी? पुर्तगालियों की। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों को जो बंबई था वो दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ये किसको जाता है? पुर्तगालियों को। जो ये खोज की थी, ये की थी वास्को डिगामा ने, और कब की थी? 1498 ईस्वी में। और वास्को डिगामा ये एक पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो वो कौन राजा था जिसने की कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? वो था राजा जमोरिन। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज केप ऑफ गुड होप की ये वास्को डिगामा ने की थी, और 1498 ईस्वी में ये भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डिगामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगाली का आगमन हुआ था। और जो सबसे लास्ट में गए थे, ये गोवा से गए थे 1961 ईस्वी में पुर्तगाली। कौन गए थे? पुर्तगाली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि जो सबसे पहले आए थे वो भी पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में गए
वो पुर्तगाली थे, 1961 में गोवा से गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? ये था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, और इसका शासन काल मतलब कब से कब तक ये रहा गवर्नर? ये रहा 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ये यूरोप में कहलाते थे कैलिको। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े जो थे वो यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, ये पुर्तगालियों के संघर्ष के साथ ये मारा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में किस चीज को उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो ये चाय उगाने के लिए। किस चीज को आसाम में चाय उगाने के लिए ये मजबूर करते रहे? अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में इस चीज को उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो जो मद्रास में उगाई जाती थी चीज वो क्या थी? चावल। क्या थी? चावल। और आसाम में क्या थी? वो थी चाय। यहाँ से आप लोगों के क्षेत्रीय राज की क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह ने ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। ये सिखों के छठवें गुरु थे और इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। और इन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान ये क्या कहां पर था? ये तलवंडी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान के पास पाकिस्तान के तलवंडी यानी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में यानी 1469 में हुआ था। और इसका ऑप्शन डी सही होगा, कहां पर हुआ था? तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव का जो उत्तराधिकारी था वो कौन थे? वो थे गुरु अंगद देव। गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? गुरु अंगद देव। और ये कब से कब तक रहे थे? 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये गुरु अर्जुन देव ने। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। ये इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह स्वयं को कहा था और इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और जो उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था वो अमृतसर को कहा जाता था। और जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी। और इनका जो शासन काल था वो 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। किसने दी थी? जमान शाह ने। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का के सब बड़ा सम्मान किया था? वो कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नादिर शाह के आक्रमण
के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उस टाइम जो दिल्ली का शासक था वो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो वो कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध। करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो सआदत खान था। कौन था? सआदत खान। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसी युद्ध के दौरान जो हैदर अली था उसकी मृत्यु हो गई थी घायल होने के कारण 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये तीनों ये कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी थी ये कहाँ पर घटी थी? कोलकाता में। और कब हुई थी ये? ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो 1757 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था वो मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। और इस युद्ध में मीर जाफर जो था वो नवाब का सेना नायक था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई थी वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। और कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के जो अवशेष हैं वो भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? गोवा में। गोवा में इनके अवशेष पाए जाते हैं। पुर्तगाली सबसे लास्ट में यहीं से गए थे 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इनमें से वो कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वो थी वांडीवास की लड़ाई। कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें कि फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। यहाँ से आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार उपस्थित हुई थी? ये 1608 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था बुर्गेरा।
क्या कहा जाता था? भूगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने स्टार्ट की थी और ये पुर्तगाली नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो सिख खालसा सेना ये रणजीत सिंह के शासनकाल में शासन के तहत बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव ये सिखों के पांचवें गुरु थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? ये नांदेड़ में है। कहाँ पर है? नांदेड़ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गुजरात पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ये अहमद शाह प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्लो मैसूर युद्ध में पराजित किया था? जो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हम्पी किस राज्य में स्थित है? हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो टीपू सुल्तान का जो पिता था वो हैदर अली था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? तो चार युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? तो जो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? सिख गुरु हरकिशन के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था? ये अली वर्दी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्ष 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ये बंगाल प्रांत था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को जो राजनीतिक शक्ति है वो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद प्राप्त हुई। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? ये गुरु रामदास ने रखी थी। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं यूरोपीय कंपनियां और क्षेत्रीय राज्य से संबंधित। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाते रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात है ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।